आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आशी आपको मीठी मीठी रोटी की कहानी सुनाऊं क्या? मीठी मीठी रोटी? हाँ, सामाजिक कहानी है, सुनाऊं? एक गांव में एक जो है श्यामू रहता था, वह बहुत अधिक खुराफाती था, उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह गांव में लूटपाट करता है और घरों से लोगों के सामान चुरा कर ले जाता है, किसी के गले में चैन पड़ी हो तो चैन भी खींच लेता था है, और बहुत उधम करता था और माने आतंक फैला रहा था वो गांव में। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां के राजा को मालूम चला कि श्यामू नाम का एक बहुत बड़ा डाकू हमारे राज्य में हो रहा है, तो उसने सारे सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि हमें श्यामू को और श्यामू के दोस्तों को जल्दी जल्दी पकड़ना है। तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कोई भी श्यामू को अपने घर में पनाह नहीं देगा, जो भी श्यामू को अपने घर में छिपाएगा उसको राजदंड दिया जाएगा। तो सारे लोगों ने, गाँव वालों ने श्यामू को भगा दिया और उसके कुछ दोस्तों पकड़ भी लिए गए। अब ये लोग भगते भगते जंगल में पहुंच गए, कुछ दोस्त और श्यामू जंगल में चले गए। अब जंगल में रहते, वहीं पे खाना खाते, जो कुछ मिल जाता गांव शहर से ले आते और गांव से जाकर जंगल में खाना बनाते और खाते। इसी तरह वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन राजा के आदेश था कि उसको तो ढूंढ के ही लाओ। तो सिपाही गाँव शहर में भी पहुँच गए और गांव में भी पहुंच गए और जंगलों में भी पहुंच गए। जब श्यामू खाना खा रहा था तो उसे मालूम चला कि जंगल में भी सिपाही आ गए, तो खाना पीना छोड़ के सारे दोस्त उधर उधर भागे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। एक दिन श्यामू क्या था कि भागते भागते एक लकड़हारे के घर पहुँच गया। लकड़हारा बहुत मेहनती था, वह लकड़ियाँ काटता और जंगल में ले जाकर बेचता था, कुछ थोड़ी बहुत फल भी इकट्ठी कर लेता था जंगल से, कुछ जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठी कर लेता था और सारी चीज़ें ले जाकर और जंगल में बेच आता था। तो श्यामू भी पहुंच गया तो लकड़हारे ने कहा, भैया तुम कौन हो? तो उसने कहा, हम दूसरे गांव के राहगीर हैं और हम रास्ता भूल गए हैं, हम अपने गाँव जा रहे थे तो रात हो गई, तो हमने सोचा कि आपके झोपड़े में आज की रात बिता लेते हैं। तो लकड़हारे ने कहा, ठीक है। उसने कहा, आओ भैया खाना खाते हैं, जो कुछ रूखा सूखा है मिल बांट के खा लेंगे। तो उसने कहा, ठीक है। तो रामू ने जो कुछ, श्यामू ने जो कुछ मिला खा लिया। अब सुबह लकड़हारा बोला, हम तो लकड़ियाँ काटने जाते हैं। तो उसने कहा, भाई हम भी चलेंगे। तो वो जब लकड़हारा थक जाता तो श्यामू कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ काटने लगा। अब काट कर शाम को दोनों दूसरे प्रदेश में लकड़ियाँ बेचने चले गए, दूसरे गाँव में। तो श्यामू भी चला गया उसके साथ, क्योंकि वहाँ उसको डर नहीं था कि सिपाही पकड़ लेंगे। और उसने आए और उन लोगों ने क्या है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। तो श्यामू को चटनी रोटी दी उन्होंने, पर वो चटनी रोटी भी उसको इतनी मीठी लग रही थी, इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि वह खाता ही जा रहा था। तो उसने कहा, भैया आज की रोटी इतनी मीठी क्यों लग रही है, जैसे इसमें शक्कर डली हो। तो उसने बताया लकड़हारे ने कि यह रोटी इसलिए हमको इतनी मिठास दे रही है, इतनी स्वादिष्ट लग रही है, क्योंकि इसमें हमारे मेहनत की जो है शक्कर पड़ी हुई है, हमने जो आज दिन में लकड़ियाँ काटी हैं मेहनत की, उसका स्वाद इसमें आ रहा है। तो रामू श्यामू समझ गया और उसने रोने रो रो कर सारी घटना लकड़हारे को बता दी। तो लकड़हारे ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे संग रह सकते हो, हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ काटा करेंगे और दूसरे गाँव में जाके बेच आया करेंगे। तो रामू को उसकी बात अच्छी लगी और वह उस लकड़हारे के संग रहने लगा और मेहनत करके अपने जीवन यापन करने लगा। आखिर कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। धन्यवाद।